हेलो गाइस, तो कम विद मी अनबॉक्सिंग बेबी स्ट्रॉलर। तो ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पर ऐसे ही पार्ट्स में आती हैं, स्पेशली अगर आप कोई फर्नीचर वगैरह बुक करते हो और वो आपको खुद ही जोड़ना पड़ता है, खुद ही बिल्ड करना पड़ता है। सम टाइम ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट ये भी है कि हाँ, जब आप ये कंप्लीट कर लेते हो तो वो ऐसी फीलिंग होती है जैसे कि आपने खुद बिल्ड किया हो। तो इसी तरीके से स्ट्रॉलर भी पार्ट्स में आया था, काफ़ी सारे पार्ट थे। और हाँ, हमेशा जो भी कोई चीज़ ऐसे पार्ट्स में आती है तो उनके साथ एक मैप होता है जिसमें हर चीज़ लिखी होती है, बेसिकली मोस्टली नंबर के अकॉर्डिंग होता है, और वो मैप देख के आपको समझना पड़ता है। तो जब ये स्ट्रॉलर आया था तो हमने 2 दिन तो पहले यही सोचा कि इसे ओपन करें कि नहीं करें, क्योंकि हमें पता था इसके लिए हमें ज़्यादा टाइम चाहिए। तो फिर हमने इसे ओपन करा और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो सच में डिफ़िकल्ट हुआ। ये वीडियो तो शॉर्ट में है, बट जब हम इसे बिल्ड कर रहे थे तो हमें कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगा ये करने में। मेरे हस्बैंड ने मेरी हेल्प करवाई, हम दोनों ने मिलकर करा, जब जाके हमें इतना टाइम लगा। और बट हाँ, जब ये बिल्ड हो गया तो बहुत खुशी होती है ये चीज़ देख के कि हाँ, ये जैसे हमने खुद ही बनाया हो। तो इसके साथ ही मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी भी शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो यहाँ मोस्टली आपको सब पता लग जाता है 5 मंथ के बाद कि आपको बेबी बॉय होगा या गर्ल होगी। तो ज़्यादातर लोग चीज़ें खुद ही पहले ही बाय कर लेते हैं। मैंने भी यही करा सेम, क्योंकि हम दोनों यहाँ पे हैं, हमारी फैमिली इंडिया में रहती है। बट मैंने स्ट्रॉलर नहीं ख़रीदा था क्योंकि मुझे पता था शुरुआत में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 1 मंथ तो एटलीस्ट मैं घर पे रहूँगी और ओनली डॉक्टर विजिट के लिए जाऊँगी, तो उसके लिए मैं टैक्सी में जाऊँगी तो शायद मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने ये बाय नहीं किया था। बट जब मेरा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ तो मुझे पता चला कि आप बिना बेबी कार सीट के ट्रैवल नहीं कर सकते हो, ये ना अलाउ नहीं है यहाँ पे। इवन आप टैक्सी में जा रहे हो तो भी इसके लिए आपको काफ़ी भारी जुर्माना देना पड़ता है। तो वहाँ पे हमें काफ़ी दिक्कत आई, हमने 2 घंटे वेट करा क्योंकि कोई भी टैक्सी वाले के पास ये अरेंजमेंट नहीं थी। फिर वहाँ हमें किसी ने हेल्प करी, नर्स ने, उन्होंने फिर किसी स्पेशल टैक्सी वाले का नंबर दिया जिस जो कि अपने घर जाकर अपनी बेबी कार सीट लेके आया। और जब मैंने हम घर आए तो इसी वजह से जब हम घर आए तो सबसे पहले मैंने ये ऑर्डर करा, और फिर उसके बाद ही हम कहीं ट्रैवल कर पा रहे थे। बट एक्चुअल में इसके ख़रीदने के बाद मुझे भी काफ़ी कंफर्टेबल जोन मिला कि मैं वैसे बेबी रैप में बेबी को कैरी करती थी, उसमें भी वो हमेशा कंफर्टेबल ही रही है, बल्कि हम सबसे ज़्यादा उसी में कंफर्टेबल जोन मेरे लिए भी रहा है। बट जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उसका वेट बढ़ा, तो मुझे इस सिचुएशन में थोड़ा डिफ़िकल्ट होने लगे। स्पेशली आप विंटर में बाहर जाते हो सब कुछ कवर करके और बेबी बेबी को अपने साथ कवर कर रहे हो, तो वो गर्मी उसे भी लगती है और आपको भी। बट जब हम स्ट्रॉलर में जाते थे तो वो इतने आराम से रहती थी। शुरू शुरू में मुझे डर लगता था कहीं वो रोए ना, बट ज़्यादातर जब भी हम बाहर गए हैं वो सो जाती थी, और सच में इतना अच्छा लगता था ये देख के कि आप बाहर गए हो, वो सो गई, आप शॉपिंग करो, कॉफ़ी पियो, खाना खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, वो आराम से उसमें सोई रहती थी। अच्छा, इसमें 2-3 फंक्शन होते हैं कि आप लिटा के रखो न्यू बॉर्न बेबी को। फिर जैसे अब मेरी बेटी सारा 6 मंथ कंप्लीट कर चुकी है, नेक्स्ट मंथ 7th मंथ की भी हो जाएगी, तो वो बैठ सकती है अब। तो मैंने इसका अब सिटिंग अरेंजमेंट कर दिया है, तो इस तरीके से आप इसको मूव भी कर सकते हो 2-3 टाइप से। अच्छा, मैंने ज़्यादातर यहाँ पे देखा है कि लोग बेबी को लेटाने वाली जो सीट है उसका फेस सामने की तरफ रखते हैं, मतलब अपनी तरफ नहीं रखते। बट मुझे ये थोड़ा अजीब लगता है, मुझे ऐसा लगता है अगर मैं बेबी का फेस उस साइड रखूँगी तो मुझे पता नहीं चलेगा उसे क्या चाहिए, या वो रोने वाली होगी तो मुझे फिर स्टॉप करना पड़ेगा इस तरीके से। बट तो इसलिए मैं उसका फेस ज़्यादातर मैं इतना हमेशा अपनी तरफ ही रखती हूँ, मुझे ये ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। और देखिए, इसके साथ ये ग्लव्स टाइप से भी आए थे क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, स्नोफॉल होता है, तो इसे आप ऐसे लगा के और अंदर हैंड डाल के भी मतलब स्ट्रॉल कर सकते हैं, मतलब आपके हाथों में ग्लव्स एक्स्ट्रा लगाने पहनने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यार, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था और मैं अभी तक इसको यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरी बेटी भी बहुत ही कंफर्टेबल है। बट स्टिल इसमें 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे अभी तक नहीं पता चला कि वो कैसे यूज़ करनी है, कहाँ पे लगेंगी, मुझे कोई आइडिया नहीं। मैंने बहुत कोशिश करी, मैंने इंटरनेट पे भी सर्च करा, बट मुझे कोई भी आइडिया नहीं मिला।
बट इट्स ओके, आई लाइक इट. जो मैं यूज़ कर रही हूँ उसमें मैं बहुत खुश हूँ, मेरी डॉटर भी बहुत खुश है. तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें मुझे, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग. आप ये देख सकते हैं मेरी बेटी कितने प्यार से सो रही, मुझे बहुत खुशी हुई थी. थैंक यू, बाय बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.